राम मंदिर ट्रस्ट की ट्रस्टी और पेजावर मठ उड़पी के मठाधीश स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ एक दिवसीय दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में वेद निकेतन आश्रम पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विश्व प्रसन्ना ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। करीब 3.5 साल में मंदिर का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समय सीमा के बाद में रामलला के मंदिर में श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ में दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें 10-11 नवम्बर को दिल्ली में होने वाली VHP की बैठक में शामिल जिसमें मंदिर निर्माण को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। मिलते हैं भाई। हितेश सुनना। काम शुरू हो चुकी है। प्रारंभ में इतना बड़ा मंदिर वहां होने वाला है। जमीन का धारण सामर्थ्य कितना है इसका परीक्षण अभी हो रहा है। सिर्फ हमने उनको कहा था कि स्वामी जी आप एक बार आश्रम में आइए, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि क्यों आना, किस लिए आना, बस हम आते हैं, बस इतना प्रेम से उन्होंने करते हुए आए हैं। तो बस अब हम यही चाहेंगे कि स्वामी जी के नेतृत्व में और सब लोग इतने राम जन्मभूमि का इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, 500 सालों से, अभी ऐसे महान विभूतियाँ उसके अंदर शामिल हुई है मंदिर बनाने में, तो मंदिर भी जल्दी से जल्द दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से।